नमस्कार, आरके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने मैंने स्वेटर बनाया था। अब इसके साथ मैंने बूट, टोपी और दस्ताने बनाना सिखाऊंगी आपको। ये देखो, ये मैंने बनाया, ये मैंने कैप बना रही हूँ। ये मैंने 60 फंदे डाल के 1, 2, 3, 6 सिलाइयाँ सीधी सीधी की चढ़ा के, बाद मैंने सीधी उल्टी की 20 सिलाइयाँ चढ़ाइया हैं। उस तो बाद मैंने ये डिज़ाइन डाला है। डिज़ाइन के मैंने 1, 2, 3, 4 ये डिज़ाइन के मैंने, ये वाला डिज़ाइन ही सेम जो मैंने यहाँ बनाया था वो सेम ही यहाँ बनाया है, और सीधी उल्टी सिलाई फिर मैंने डाल ली है। एक सीधी उल्टी, फिर सिंपल, सिलाई पूरी कर लूँगी। ये देखो, मैंने 4 सिलाइयाँ सीधी उल्टी की डाल ली। अब क्या करना, 2 फंदों का एक करते जाना। दो फंदों का एक, 60 फंदे थे, 30 कर लेंगे हम। पूरी रो ऐसे ही, दो फंदों का एक धागा पीछे रखना और दो फंदों का एक सीधा ही बुनना। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी ऐसे, रो पूरी कंप्लीट कर लो, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। जी देखो, जी 30 फंदे हो गए। एक सीधी उल्टी सिलाई और डाल लेंगे। एक सीधी उल्टी सिलाई डाल के फिर उससे आगे फिर 2 का 1 करते जाएंगे, फिर 15 फंदे हो जाएंगे हमारे। अब 30 है, फिर 15, ऐसे एक सिंपल सीधी उल्टी डाल के फिर आगे 1 फंदे फिर कटाएंगे। देखो, सीधी उल्टी डाल ली। अब फिर हम रिपीट वही करेंगे, 2 फंदों का एक, दो फंदों का एक करना। फिर सिंपल एक सीधी उल्टी फिर स्लाइस डालेंगे। ये हमारे 16 फंदे हुए। अब उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, फिर सीधी उल्टी एक सिंपल डाल के फिर आगे दिखाती हूँ क्या करना। ये देखो, जो पूरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, सारे फंदे हम सुई में डाल लेंगे। टाइट कर देंगे, देखो पूरा टाइट। जहां पूरी सिलाई कर देंगे, ये देखो
न्यू बॉर्न बेबी के लिए है, जहाँ पूरी आप सिलाई कर देना। जहाँ पोंपो बनाकर हम लगा देंगे, जो मर्जी लगा सकते हो आप, पोंपो लगा दो। ऐसे पूरी सिलाई करके अब हम बनाएंगे, इसके बाद बूट बनाएंगे। आपको पूरा सिलाई करके मैं आपको दिखाती हूँ फिर। ये देखो कैप पूरी तैयार हो गई। यहाँ से सिलाई हो गई, यहाँ पोम पोम बनाकर लगा देंगे। अब हम बनाएंगे, देखो ये बूट बनाया मैंने, और ये मैंने बच्चे के दस्ताने। चलो पहले ये बनाना सिखाती हूँ आपको। ये 30 फंदे मैंने डाल के 1 2 3 6 सिलाइयाँ मैंने सीधी सीधी की चढ़ा ली हैं, और एक सिलाई मैंने एक सीधी उल्टी की मैंने वाइट धागे की चढ़ा ली। ये देखो 30 फंदे डाल लिए हैं। अब हमने यहाँ ये जाली बनानी है, इसमें आप लास्टिक भी डाल सकते हो, रिबन भी डाल सकते हो, डोरी भी डाल सकते हो, कुछ भी बना कर डाल सकते हो। दो सीधे धागा आगे, दो का एक, एक दो धागा आगे, दो का एक, एक दो धागा आगे, दो का एक, एक दो धागा आगे, एक का दो, एक दो धागा आगे, एक का दो। एक दो धागा आगे, एक का दो, एक दो धागा आगे, लास्ट में दो फंदे। आप थोड़ा सा हम सीधा उल्टा बना लेंगे, इतना कितनी सिलाइयाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिलाइयाँ हमने सीधी उल्टी की डाल के फिर आगे डिज़ाइन बनाना है। आप मेरे को सिखाऊंगी, डिज़ाइन सेम यही है, तो इतना बना लो फिर आपको दिखाती हूँ मैं। सीधा उल्टा कुछ नहीं करना, सीधा उल्टा ही डालने सिलाइयाँ। ये देखो ये मैंने 12 सिलाइयाँ चढ़ा के एक सीधी उल्टी की कलर की चढ़ा ली। अब हमने डिज़ाइन बनाना है, एक दो 3 4 5 6 फंदे मैंने सिंपल बुन लिए, फिर दो का एक, क्योंकि हमारा एक ही ये डिज़ाइन डालेंगे हम, क्योंकि फंदे कम है ना हमारे, ये वाला। फिर दो का एक, फिर दो का एक, फिर दो का एक, 6 फंदे के हमने 3 फंदे बना ले, फिर धागा आगे, एक दो 3
चार, पांच और छः। छः फंदे हम इधर, हमारे 3 फंदे काम हो गए थे, इधर 6 फंदे हमने बढ़ा रहे, फिर 2 का 1, 3 फंदे इधर फिर काम हो जाएंगे। एक, दो, दो और ये 3, फिर 6 फंदे हमारे सिंपल। सीधी सिलाई तो हम, उल्टी सिलाई तो हमारी सीधी डालेगी, फिर एक सीधी उल्टी डाल के एक डिजाइन बार फिर डाल लेंगे ये वाला, बस 2 ही डालने हैं ये वाला। इतना बनाकर आपको मैं दिखाती हूँ फिर। ये देखो, ये डिजाइन डाल के मैंने 4 सिलाई सीधी उल्टी की डाल ली। अब क्या करना, हर फंदे का 2 का 1 करते जाना। दो का एक, हर फंदे का 2 का 1, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, जैसे आप पूरी कंप्लीट कर लो उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। अब सीधी सिलाई, फिर 2 का 1, सारे फंदे ऐसे ही कर देने, 2 के 1। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, ऐसे आप कंप्लीट करके उल्टी सिलाई पूरी उल्टी कर लो। ये देखो, अब हम सारे फंदे हम बंद कर देंगे। चाहे आप सुई में डाल के बंद करो जैसे मैंने कैप में डाले थे, चाहे ऐसे कर लो, दोनों तरफ ठीक ही होंगे। थोड़ा धागा आप छोड़ लो, सिलाई के काम आ जाएगा। ये हमारा बनके तैयार हो गया है, मिटन हमारे बनके तैयार हो गए। अब जहाँ से हम पूरी सिलाई कर देंगे, यहाँ पूरी सिलाई हो जाएगी। ये मैंने थोड़ा सा इसलिए कलर का धागा लगाया कि आपको नज़र आ जाए यहाँ सिलाई होएगी, वाइट धागे से लगाओगे तो बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। चलो अब हम ये बूट बनाना आपको सिखाते हैं। ये बूट हम बनाएंगे। जी, मैंने 26 फंदे डाल के बिल्कुल सीधी सीधी सिलाइयाँ चढ़ाई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 सिलाइयाँ हमने सीधी सीधी की ले ली। अब क्या करना, 26 फंदे हैं,
एक फंदा बंद किया, दो तीन चार पांच छः सात और आठ। आठ फंदे मैंने बंद कर दिए। अठारह फंदे हमारे रह गए। अठारह फंदे हम सीधे बुन लेंगे। उल्टी सिलाई भी सीधी बुन लेंगे। उल्टी सिलाई भी सीधी। अब हम दूसरा धागा लगाएंगे और ये वाला पोर्शन बनाएंगे। ये वाला पहले पूरी सीधी सिलाई, धागे भी साथ साथ में ले लेंगे। पूरी सीधी सिलाई, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। अब हमारे फंदे कम है इसलिए डब्बी छोटी बनाएंगे हम, वो वाली डिजाइन वाली। वो कैसे बनाएंगे? पहले तीन फंदे सीधे बुन लेंगे, फिर दो का एक जैसे वहां किया, और फिर दो का एक। वहां हम तीन बारी करते थे, यहां दो बारी करेंगे। फिर धागा आगे एक जाली, धागा आगे दो जाली, धागा आगे तीन जाली, धागा आगे चार जाली। चार जालियां डालनी है। फिर हमने दो का एक और फिर दो का एक। तीन फंदे हमने इधर सीधे बुने, तीन फंदे हमारे इधर सीधे। कि ऐसा आपने पूरा डिजाइन है ये बनाना है। वहां हम छह जालियां डालते थे, जहां हमने चार डालनी, क्योंकि हमारे फंदे कम है और डिजाइन हमने सेम बनवाना बनाना है। ये देखो डिज़ाइन हमारा सेम बनेगा, और बस इतना कि छोटा बनेगा। ये हम कितने बनानी है? एक दो तीन चार पाँच छः सात। सात ऐसे बनाकर फिर आपको मैं आगे दिखाती हूँ क्या करना है। ये देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात बार मैंने ये बना लिया। अब उल्टी तरफ से हमने ये वाइट धागा लगा लेंगे।
अब जो अपने हमने आठ फंदे बंद किए थे ना, यहाँ आठ फंदे हम बढ़ा लेंगे। वो कैसे? एक, दो, तीन, चार, पांच, छः और सात। पूरी सीधी सिलाई, अब सीधी सीधी सिलाइयाँ हमने पूरी चढ़ानी है। जैसे हमने ये बुना ना, इतने चढ़ाना नहीं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, 12, 13, 14, इतने हमने इधर भी कर लेने हैं। सीधी सीधी कुछ नहीं करना, सिंपल आपने सीधी सीधी सिलाइयाँ दोनों तरफ से सीधी सीधी आएगी। पूरा बना के आपको दिखाती हूँ फिर मैं। ये देखो पूरा हो गया, अब इसे बंद कर देंगे। पूरा ऐसे पूरा बंद कर दो। ये देखो पूरा बंद हो गया। अब क्या करना है, अब ये देखो ऐसे सुई में धागा डाल के इसे ऐसे खींच लेंगे।
अब इधर भी ऐसे ही करेंगे। थोड़ा टाइट कर देना। अब हम यहाँ से और यहाँ तक सिलाई करनी है, ये छोड़ के जो पूरी सिलाई करनी है। सब पूरा जहाँ तक सी के फिर ये वाला हिस्सा भी सीना आपने, क्योंकि ये हमारा नीचे आना है, साइड में आना, ये नीचे आएगा, ये साइड में आ जाएगा, ये वाला, ये देखो जहाँ से और यहाँ तक, फिर से इसे फोल्ड करके थोड़ा एक क्रोची के साथ आपको बनाना दिखाती हूँ। फिर मैं ये पूरा सिलाई करके दिखाती हूँ आपको। ये देखो पूरा बन गया। अब हम क्रोशिया करेंगे, सिंगल क्रोशिया। ये देखो दो का एक, सिंपल ही है। यहाँ से ऐसे लिया, एक एक बार ही लेना सिंपल। बिल्कुल सिंपल आपने ऐसे ही बनाना। ये देखो पूरा बन गया। अब यहाँ हम पोंपोन लगा देंगे।
हमारे दोनों बन गए। हमारा पूरा सेट बन गया, बटन कैप और स्वेटर। पूरे सेट को हमारी 200 ग्राम ऊन लग गई, सवा 200 ग्राम लगा लो, 200 नहीं सवा 200 ग्राम लगी। तो पूरा सेट बन के तैयार हो गया। आप भी बनाना और हमें बताना। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।